उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया पंजी से इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का सदस्यता अभियान जोर पर। सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार अलग अलग विधानसभा में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ बड़ी तादाद में लोग मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का दामन थामते नजर आ रहे हैं। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर वैसी साहब का कई महीनों से लगातार दौरा चल रहा है और साथ ही साथ तैयारी जोर शोर पर चल रहा है। इसी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार मजबूती कर कदम बढ़ा रहा है और साथ ही साथ अपने समीकरण को मजबूत कर रहा है। इस वक्त बड़ी चुनौती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव है। भले ही 2022 में मजलिस वहां पर विधानसभा चुनाव, लेकिन 2021 से वहां पर चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोदीन ओवैसी साहब इस बार जो है प्रयागराज, इलाहाबाद और कानपुर का दौरा किए, लेकिन प्रयागराज का दौरा सुर्खियों में रहा। अतीक अहमद साहब उस वक्त जेल में बंद है, उनके खत को जो है उनकी बीवी ने वहां पर पढ़ के सुनाया और लोगों के आंख में आंसू चलक गए। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन प्रयागराज में काफी मजबूती है और वहीं जो है अतीक अहमद को लेकर काफी गम और गुस्से की लहर भी है। इस दफा जो है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोदीन ओवैसी साहब अतीक अहमद को ही टिकट दे दिया, तो यकीनन है कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को प्रयागराज में बड़ी कामयाबी का संकेत दिख रहा है। लेकिन फिलहाल जो है मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सोदीन ओवैसी साहब लगातार जो है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अपना समीकरण तैयार कर रहा है, बड़े बड़े सियासी लीडरों को जोड़ रहा है, तो वहीं गांव में सदस्यता अभियान भी चलाकर उनके कार्यकर्ता जो है मजलिस के तरफ रुख कर रहा है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में काफी मजबूती स्थिति में है और दीगर सियासी पार्टियों में खलबली सा मचा हुआ है। लगातार जो है वहां पर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जो है सदस्यता अभियान चला रही है। इस दफा 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारेगी और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के लिए बड़ी चुनौती होगा। इस दफा जो है बैरिस्टर सोदीन ओवैसी साहब बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ अपने सहयोगी दलों के साथ भी चुनाव प्रचार में उतर चुका है। हालांकि 2022 में चुनाव है, लेकिन चुनाव का माहौल अभी से वहां पर गर्म हो चुका है। बताते चलें कि इस वक्त मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने कई कार्यालय वहां पर खोल दिए हैं, चाहे वो पूर्वांचल का कार्यालय हो या पश्चिमी भाग का कार्यालय हो, और काम करने का वहां जो सिस्टम है बड़ा जो है उम्दा सिस्टम बनाया गया है। जिस तरह से मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के लिए अलग अलग कार्यालय का खुलवाना और साथ ही साथ शुरुआत में जो वहाँ पर अलायंस करना और कई पार्टियों के साथ गठबंधन करना, ये जो है मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के लिए जो है आम लोगों तक पहुंचने का बड़ा जरिया बनाया गया है। बताते चलें कि इस बार लगातार जो है दौरा कर रहा है और ये दौरा इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, लगातार इनको लेकर मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को लेकर आम लोगों में मौजूद बहस और चर्चा चल रहा है। इस दफ़ा जो है वहाँ पर बदलाव के बुनियाद पर लोग वोट करने का इरादा बना सकते हैं, चूँकि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन आने के बाद लोगों में उम्मीद आ गया है और साथ ही साथ जो वहां के लोग जो है लगातार बीजेपी को रोकने के लिए अलग अलग सियासी दलों को वोट किए थे, लेकिन इस दफा जो है मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को भी वोट देकर स्तंभ देख सकते हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के लिए वहां के मुसलमानों के लिए खासतौर पर उम्मीद की किरण है, क्योंकि मुसलमानों के बड़े लीडर वहां पर जेल में बंद है और ये जेल में बंद वहां पर जो सेकुलर पार्टी है वो लोग खामोश है और इस खामोशी को देखते हुए वहां के मुसलमानों में काफी गम और गुस्सा की लहर भी पाई जाती है। लेकिन मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस दफा जो है वहां के लोगों में सियासी बेदारी लाने के लिए काफी जो है जोर शोर लगा दी है और साथ ही साथ जो है लगातार वहां पर दौरा कर रहे हैं।
पिछले दिनों का दौरा काफी सुर्खियों में रहा और खास तौर पर उनका जो स्वागत हुआ जगह जगह और जो काफिला दिखा गया तो एक बदलाव का संकेत दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि 2022 में ऐतिहासिक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जीत होगी और साथ ही साथ जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक का आवाज गूंज सकता है। बहरहाल आपको बता दें इस वक्त जो है चुनावी माहौल गर्म है और साथ ही साथ सारे दल अपना समीकरण तैयार कर रहे हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बड़ी मजबूती के साथ वहां पर काम कर रही है। सदस्यता अभियान के साथ लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी हो रहा है। बहरहाल आपको सारे अपडेट हम दिखाएंगे, लेकिन आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।